नमस्कार, आज हम गोपालगंज के हथुआ में हैं और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं बड़ी सी बस लगी है और ऐसी आधा दर्जन से भी ज़्यादा बसें पीछे खड़ी हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र के चर्चित समाज सेवी सुनील सिंह कुशवाहा ने चारों तरफ इसे बने हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में लोगों को अयोध्या भेज रहे हैं दर्शन के लिए, वो भी निःशुल्क। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं और सुनील सिंह कुशवाहा जी मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ा ही पुनीत कार्य कर रहे हैं, खूब चर्चा है, क्या कहिएगा? नहीं, बहुत खुशी मिल रहा है और हमारे बुजुर्ग माता पिता जो हैं उनको घुमाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, बहुत खुशी मिल रहा है। इस क्षेत्र की पूरी जनता को माता पिता मान बैठे? जी जी, लोग कह रहे हैं कलयुग के श्रवण कुमार हैं आप। अब लोग क्या बोल रहे हैं, खुशी से क्या बोल रहे हैं, वो बोलने वाले बोल क्या बोल रहे हैं मेरे को मालूम नहीं, मगर बहुत खुश मिल रहा है मेरे को। आप एक फिल्म अभिनेता भी हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग सराहना कर रहे हैं, क्या कहें? जी जी, अभी कुछ दिन में मेरा एक पिक्चर भी आ रहा है नोटिस करके, उस पिक्चर में भी श्री राम भगवान जो किरदार निभाए थे अरुण गोविल जी, वो हमारे पिक्चर में है। अभी आने वाले कुछ महीनों में वो रिलीज होने वाली है। क्या बात है, कितनी संख्या में लोग जा रहे हैं? ये 300 प्लस हैं, 300 350 के आसपास, 400 हो गया। इन लोगों को क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इनको दी जा रही है क्या क्या सुविधाएं? खाना पीना, मेडिकल, डॉक्टर, सब चीज़ है अंदर, किसी को कोई तकलीफ होगा सब सुविधा है, सारी सुविधा दे रहे हैं, सब एकदम निःशुल्क। जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। आपको ये बता दें कि सुनील सिंह कुशवाहा मेरे साथ थे, आपने सुना इनको। यहाँ तमाम और भी गणमान्य लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आज सुनील जी पार्टी में ज्वाइन भी कर लिए हैं, सदस्यता ले लिए हैं। जिलाध्यक्ष जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, इस पुनीत कार्य के लिए आज झंडी दिखाकर कहीं ना कहीं बस को रवाना किया जा रहा है, सैकड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं दर्शन करने प्रभु श्री राम जी के, क्या कहिएगा? सौभाग्य की बात है, इस पुनीत कार्य में भाग लेने का हम लोगों को भी मौका मिला। हमारे पार्टी के नेता हैं और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सुनील सिंह कुशवाहा जी के आमंत्रण पर हम लोग यहाँ आए। यहाँ आने पर मन प्रफुल्लित आनंदित हुआ कि श्री रामलला के दर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में करीब 300-400 महिलाएँ और ग्रामीण बंधु को लेकर सुनील जी अयोध्या जा रहे हैं दर्शन कराने के, वहाँ व्यवस्था किया गया है। तो यह कहीं ना कहीं से धार्मिक कार्य के लिए और सामाजिक कार्य के लिए सुनील जी को मन से दिल से धन्यवाद देते हैं। आप ऐसे ही सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लगे रहें, श्री राम लला की कृपा आप पर बनी रहे, आपका यश कीर्ति बढ़ता रहे। पूर्व जिलाध्यक्ष जी मेरे साथ हैं, सर इस पुनीत कार्य के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ के स्थानीय लोग इतने बड़े संख्या में सुनील जी के सौजन्य से अयोध्या धाम दर्शन के लिए जा रहे हैं, रामलला के दर्शन करने के लिए, और हमको भी इस परम पुनीत कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला, बड़ा खुशी हो रही है। तो चलिए, ये तमाम गणमान्य लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने सराहना की सुनील सिंह कुशवाहा जी। अंत में चलते चलते क्षेत्र की जनता से क्या कुछ कहेंगे? कहना चाहूँगा जो हमारे क्षेत्र में कुछ लोग शायद बाकी रह गए हैं, उनको अगले बार में, ये मेरा जो समाज सेवा है ये हमेशा चालू रहेगा, हर महीने में मैं 2 बस 4 बस हमेशा भेजते रहूँगा, ये आगे भी जारी रहेगा, आगे भी जारी रहेगा। तो चलिए, सुनील सिंह कुशवाहा जी थे, पीछे आप जो बस देख रहे हैं ऐसी आधा दर्जन से भी ज़्यादा बसें पीछे खड़ी हैं जो सीधे प्रभु श्री राम जी के दर्शन कराने के लिए श्रद्धालुओं को लेकर के जा रही है। ऐसे में आप क्या कुछ सोचते हैं सुनील सिंह कुशवाहा जी के इस पुनीत कार्य के लिए, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर लीजिएगा, और श्री राम जी के भक्त हैं तो वीडियो तो शेयर करना ही पड़ेगा। अगली वीडियो में कुछ और, तब तक के लिए नमस्कार।